नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। एक जंगल में एक मेंढक अपने बच्चों के साथ रहता था। वह मेंढक खा पीकर खूब तगड़ा हो गया था और सदा डींग हांकता था कि वही सबसे बड़ा है। एक दिन बच्चों ने एक बड़े से जानवर को देखा। वह एक किसान का बैल था। जंगल में देखकर उन्होंने सोचा, यह प्राणी तो पहाड़ की तरह बड़ा है। इसके सिर पर सींग है और पीछे एक लंबी सी पूंछ है। लगता है संसार का सबसे बड़ा प्राणी है। यह बात बच्चों ने अपने पिता से बताई। मेंढक ने सोचा कि वह मुझसे बड़ा कैसे हो सकता है। उसने एक लंबी सांस खींची, स्वयं को फुलाया और पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? बच्चों ने कहा, इससे भी बड़ा। मेंढक ने पुनः एक गहरी सांस भीतर भरी, स्वयं को और फुलाया और पूछा, इतना बड़ा? बच्चों ने कहा, इससे भी बड़ा। मेंढक ने और जोर से गहरी सांस भरी। स्वयं को फुलाया, पर इस बार वह स्वयं ही फट गया।